हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित गुप्ता और मैं अपने यूट्यूब चैनल रोहित नॉलेज स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो हमेशा की तरफ मैं आपको इस वीडियो में भी आपकी नॉलेज बढ़ाने वाला हूँ, तो लास्ट तक आप जरूर वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ, जो भी नॉलेज की वीडियो बनाऊँ, आप तक फटाक से पहुँच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, ये सैसे वाला जो कि पाउच में है वो, या फिर ये बॉटल वाला यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मली हमारे घर में शैम्पू डेली यूज़ होता है, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, हर कोई यूज़ करता है। अगर हम थोड़ी सी समझदारी करें तो हम अपना पैसा बचा सकते हैं। तो आज मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ कि हम कैसे पैसे बचा सकते हैं। आपके घर में आप जो भी किसी भी ब्रांड का शैम्पू यूज़ करते होंगे, आप वो देख लीजिएगा। मेरे पास ये इंदुलेखा का है, तो मैं आपको इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ। आपके पास जो भी होगा आप वो वाला भी समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो ये इंदुलेखा का शैम्पू है जो कि 2 रुपये इसका प्राइस है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें है 5.5 ml, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नेट वैल्यूम 5.5 ml, मतलब 2 रुपये में हमें कितना मिल रहा है, 5.5 ml हमें शैम्पू मिल रहा है, ठीक है। अब हम ये बड़ा वाला सैसे यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी सेम ब्रांड का है, इंदुलेखा, हर चीज़ सेम है, आप देख लिए। अब हम मैं आपको इसका MRP दिखाता हूँ। इसका प्राइस है 72 रुपीज़। आज 72 रुपीज़ में हमें कितना मिल रहा है, ये देखिए, सिर्फ 50 ml। अब मैं अगर आपको बात करूँ, ये शैम्पू मिल रहा था हमें 5.5 ml सिर्फ 2 रुपये में, ये आप देख रहे हैं 5.5 ml। तो अगर मैं इसका 10 पाउच लेता हूँ तो 20 रुपये का मिलेगा। 20 रुपये में हमें मिल जाएगा 5.5 × 10, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा 20 रुपये में 55 ml शैम्पू हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे 50 ml शैम्पू है, ये देखिए 50 ml, जो कि है 72 रुपीज़ में। तो मतलब कहीं ना कहीं ये मुझे 52 रुपीज़ महंगा पड़ रहा है, 52 रुपये ये हमें महंगा पड़ रहा है। तो भाई हम ये वाला शैम्पू क्यों लें, इसकी वजह क्या हम ये शैम्पू यूज़ ना करके हम अपना 52 रुपये बचा लें। देखिए दोस्तों, नॉर्मली होता क्या है, ये जो सैशे वाला शैम्पू होता है, ये ब्रांड क्या करती है, ये पहले हमें सैंपल के तौर पे देती है। जब हम इसको लगाते हैं, ये हमें पसंद आती है, तो हम इसका बड़ा वाला ये बॉक्स खरीदते हैं, बड़ा वाला बॉटल खरीदते हैं, ताकि मतलब हम सोचते हैं एक बार ले लेंगे तो ये महीने भर, 2 महीने भर चलेगा। तो हम इसके स्विच इस पे कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमें लूटा जा रहा है, और थोड़ा बहुत नहीं लूटा जा रहा, कहाँ ये 20 रुपये में 55 ml और कहाँ ये 72 रुपये में सिर्फ 50 ml, 52 रुपये, कहीं ना कहीं ये मुझे 3-4 गुना ज़्यादा महंगा पड़ रहा है ये। तो हमें ये क्यों ले, तो इससे अच्छा है कि आप, और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी ब्रांड, किसी मॉल वॉल में जाते हैं आप, तो यही कोई भी बड़ा सा 500 ml या 1000 ml के बड़े से बॉटल रहेंगे, उसके प्राइस लिख देंगे वो लोग 500-600 रुपये, और 100 रुपीज़ डिस्काउंट लगा देंगे या 150 रुपीज़ डिस्काउंट लगा देंगे, तो लोग उसको सबसे पहले लेना पसंद करते हैं। वो थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते कि उनको सिर्फ ये दिखता है कि भाई 500 रुपये का है, 100 रुपये ऑफर के वो हमें 400 रुपये में मिल रहा है, तो हमने 100 रुपये बचा लिए। लेकिन ये उनको चीज़ पता नहीं है। तो इसीलिए अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी आप शैम्पू लेने जा रहे हैं अपने घर के लिए, हाँ, तो आप ये वाला शैम्पू, बॉटल वाला शैम्पू ना लेकर के आप ये वाला शैम्पू यूज़ करिए, मतलब सैशे वाला। अगर मैं बात करूँ तो एक जैसे ये 2 रुपये का शैम्पू है, आपका भी कोई भी शैम्पू होगा जो भी यूज़ करते होंगे, डव वगैरह कोई भी, 2 रुपये का सैशे आता है। एक पत्ता की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 16 शैम्पू होते हैं, तो मतलब वो उसका प्राइस हो गया 32 रुपीज़। लेकिन अगर आप होलसेल प्राइस में लेंगे तो आपको 26 रुपीज़ में मिल जाता है, तो आपका वहाँ पर भी 6 रुपये बच रहा है, हाँ, और प्लस आपको ये शैम्पू में तो फ़ायदा हो ही रहा है। और दूसरी चीज़, ये लगाने में भी बहुत यूज़ मतलब इजी टू यूज़ है, सीधे आपने फाड़ा इसको, एक या दो जितना भी आपके बाल में लगता हो उतना यूज़ किया और फेंक दिया, तो मतलब ये कहीं ना कहीं ये ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप भी थोड़ा समझदारी से कोई भी सामान खरीदिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।